जी नमस्ते दर्शकों, इंडिया पोस्ट के संवाद सत्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ आज चर्चा के लिए हमारे समक्ष उपस्थित हैं परमजीत जी। आप कनिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी के नाते पीजीआई चंडीगढ़ में दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि पीजीआई चंडीगढ़ के फार्मेसी विभाग ने किस तरह से इस कोरोना महामारी के संकट की घड़ी में ऐसे निराश्रित लोग, ऐसे अभावग्रस्त लोग जिनको इस समय सख्त से सख्त आवश्यकता है और तत्काल राहत की आवश्यकता है, वह चाहे भोजन के रूप में हो या आवास के रूप में हो, ऐसे लोगों को मदद मुहैया कराया जा रहा है। और उसकी इस मुहिम में सबसे अधिक अगुवाई करने के लिए परमजीत जी जैसे युवा आगे आए हैं, ऐसे युवाओं की अगुवाई कर रहे हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका परमजीत जी जी इस संवाद सत्र में। जी परमजीत जी, मैं जानना चाहूंगा, हमारी भारतीय संस्कृति कहती है, जीवने यापदा दानम स्यात् प्रदानम ततोधिकम् इत्येषा प्रार्थनास्माकं भगवन् परिपूरितम्। जो कुछ भी हमने इस समाज से प्राप्त किया है उससे कहीं अधिक समाज को देने की क्षमता हमारे मन के भीतर यह शुभ संकल्प जागृत हो और यह पूरा भी करने के लिए हम प्रयत्नशील हों, यह प्रेरणा आपको कैसे मिली? देखो, पीजीआई में जॉब करता हूँ तो वैसे यहाँ काफी दुखी लोग दिखते हैं, नीडी लोग दिखते हैं बहुत ज्यादा। और अभी तो कोरोना वायरस की वजह से अब गरीब लोगों को खाने की बहुत दिक्कतें आ रही है और उनको रहने की, खाने की बहुत सारी दिक्कतें जो हमें देखने को मिल रही थी। ठीक है जी, तो इसी दौरान मेरे फार्मेसी विभाग के कुछ मेरे मित्र मिले, उन्होंने बोला कि भाई हम भी इसमें सहयोग करना चाहते हैं। तो उनके द्वारा हमें एक संस्था को हमने कांटेक्ट किया और उनको राशन पर दिया उनको, ताकि हम जरूरत लोगों को राशन भोजन जो है वो बंटवा सके। और आज हमने उनको, संस्था को, राशन दिया जो इन गरीब लोगों के लिए राशन उपलब्ध करा के उनके लिए खाना बना के पीजीआई बैंक के सामने रोज लंगर लगता है, एक शाम को 4:30 बजे और एक 6 या 7 बजे करीब ये रात्रि भोजन का व्यवस्था होती है उनकी। और हमारी उनकी गाड़ी आती है संस्था की और वो सारा उनको डिस्ट्रीब्यूट करके फिर अपना वो सामान सबको दे के, राशन खाना भोजन दे के फिर जाते हैं वो। जी परमजीत जी, कितनी संख्या अनुमानित, कितनी संख्या रहती है लगभग जिनको भोजन इस समय उपलब्ध हो रहा है फार्मेसी डिपार्टमेंट की ओर से, चंडीगढ़ पीजीआई की ओर से? नियर बट अभी तो वैसे संख्या तो काफी है, तो हाँ जितना मैं डेली के रूटीन में 200 से 250 लोग तो रात्रि भोजन तो उनको उपलब्ध कराया जाता है। उससे पहले शाम को चाय और बिस्कुट का भी लंगर लगाया जाता है उसमें। अच्छा, तो इसकी वितरण व्यवस्था कैसे है? कुछ उसकी आपने चेन बनाई है? कुछ वॉलेंटियर्स हैं जो समय दान करते हैं सुबह की पाली में और दोपहर को और शाम को कोई और, ऐसी कुछ व्यवस्था, वितरण की नहीं व्यवस्था नहीं आपने नहीं बनाई है? वॉलंटियर्स नहीं, एक जो जो जिनको जिनसे जिनसे हमने ये कॉन्टेक्ट बात करी, ये कॉन्टेक्ट किया था, वो खुद ही सब कुछ कर रहे हैं। तो उनके मित्र सहयोग कर रहे हैं और उन्हीं के द्वारा ही सारा कुछ चलाया जा रहा है। और जो मित्र यानी के जो जो धनी लोग हैं जो उनको सहयोग दे सकते हैं, हमारी तरफ से भी प्रार्थना है कि उन्हें वो जरूर सहयोग करें और उनसे कांटेक्ट करें ताकि हम इस मुहिम को हम आगे तक लेके जाएं। अच्छा, आप जैसे चंडीगढ़ पीजीआई के कितने युवा प्रशासनिक अधिकारी आपके साथ सहभागी हैं? अभी तो काफी लोग हैं जो इसमें पार्टिसिपेट किया है और वैसे मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा, जो मेरे फार्मेसी विभाग के लोग हैं, मिस्टर अमित, मिस्टर वरिंदर, अनु मैडम, अखिलेश, संदीप टाक। मेरा नाम जी अमित सांगवान है। हाँ जी, हाँ पीजीआई में फार्मेसी डिपार्टमेंट में काम करता हूँ मैं। जी, हाँ जी, हाँ जी, तो लॉकडाउन चल रहा है तो इस दौरान हम थोड़ी सी हमारी तरफ से मदद है हाँ जी, लोगों के लिए, ताकि कोई लोग भूखा ना सोए, हाँ जी, तो उसके लिए हम लोगों ने अपने डिपार्टमेंट से सभी बंदों से पैसे लिए और थोड़ा बहुत यहाँ आप लोगों को इधर डोनेट किया लंगर के लिए। मतलब आप सभी लोगों ने यहाँ पर मिलकर पैसा दिया हुआ है। हाँ जी, आपका नाम क्या जी?
मेरा नाम जितेंद्र है, मैं भी फार्मेसी डिपार्टमेंट में हूँ जी। बहुत बहुत धन्यवाद, मतलब बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो 21 दिनों से लंगर चल रहा है उसमें आप लोगों ने आज क्या क्या दिया है? हमने सर इसमें आटा दिया है, दाल है, चावल है, राजमा छोले है, तो सारा रॉ मटेरियल दिया है आप लोगों को, ताकि सब लोगों को खाने पीने का सामान मिल सके। आप कुछ कहना चाहेंगे कि मतलब आगे भी जो ये सेवा दी जा रही है इसमें आगे भी आप जुड़ेंगे? हाँ सर, जितना उन सब हमसे हो सकेगा उतना हम इसमें आगे भी कंट्रीब्यूशन देंगे अपना, ये शुरू किया हमने। ये भाई साहब ये आगे आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा काम करते हो, भगवान की कृपा से ऐसे भी करते रहो आगे, तो हम आपका। ये मेरे मित्र है जिन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया और जिनकी वजह से आज ये लंगर की व्यवस्था शुरू की गई। बहुत सुंदर। तो इसमें आपने जो वितरण की व्यवस्था के संबंध में आपने जानकारी दी है, तो आप विभाग में सेवा देने के बाद भी अतिरिक्त कार्य करते हैं? जी, मैं जब शाम को जब 5 बजे के बाद ड्यूटी खत्म कर लेता हूँ तो उसके बाद ये समाज सेवा के कार्य में मैं भाग लेता हूँ। अगर किसी को राशन चाहिए हो या कभी उपलब्ध करना हो, जो मेरी तरफ से हो सकता है वो भी मैं कोशिश करता हूँ। आपने देखा कि वही लोग हैं जो भी सरकारी शासकीय विभाग में चंडीगढ़ PGI में अपनी सेवा देने के साथ साथ ऐसे लोगों के सहारा बनने का इन्होंने प्रयास किया है जो पहले से लंगर संचालित कर रहे थे और उनको लंगर संचालित करने में कुछ बाधाएं सामने आ रही थी। तब PGI चंडीगढ़ के ऐसे युवा प्रशासनिक अधिकारियों ने समूह बनाकर ऐसे लोगों का सहारा बनने का काम किया है। आइए हम सब इनका पुनः धन्यवाद करें और सर्वे भवन्तु सुखिनः की प्रार्थना के साथ हम यह प्रार्थना निवेदित करें कि जल्दी से खुशहाली हम सबके बीच में आए और खुशहाली हम सबके बीच में आकर के पुनः सामान्य जनजीवन बहाल हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत मंगल कामनाएं, धन्यवाद। आपने संस्कृत में श्लोक बोला तो सर वो अभी मैं पंजाब से तो संस्कृत मुझे आती नहीं है, उसका क्या मतलब हुआ? यह दुर्भाग्य है कि संस्कृत को धीरे धीरे दूर किया जाता है, लेकिन मैं कोई विषय नहीं, मैं उसको समझाता हूँ, उसका मैं भावार्थ आपके समक्ष रखता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, यह हमारी भारतीय संस्कृति रही है कि हमने अपनी प्रार्थनाओं में सदैव विश्व कल्याण की कामना की है। इसका अर्थ यही है कि सभी सुखी रहें, सभी निरोगी रहें, इसका अर्थ यही है। और आप ऐसे सत्कार्यों में लगे रहें, मेरी प्रार्थनाएं आप सबके साथ हैं, बहुत बहुत मंगल कामना, बहुत बहुत आभार। जी, मेरा सबसे अनुरोध है जो भी अपनी सेवा देना चाहता है, हमारे साथ जुड़ना चाहता है किसी भी तरीके से, चाहे वो पैसा देना चाहता है, चाहे वो राशन या कुछ भी देना चाहता है, वो हमसे जुड़ सकता है। आप हमें 9888 0312 मिस्टर अरुण जोशी जी का नंबर है जो लीड कर रहे हैं सब कुछ, और सब कुछ उनका पूरा सहयोग है, आपका सहयोग चाहिए। आप सबसे अनुरोध है कि घर रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद। यहाँ पर लंगर पिछले जब से लॉकडाउन हुआ तब से कर रहे हैं, क्या क्या रहता सुबह शाम रात का रहता आपका, किस प्रकार से रहता है? शाम को चाय रहती है, 4 बजे चाय रहती है। हाँ जी। और रात को डिनर रहता है। अच्छा, ये पैकिंग होता है सारा? हाँ, खुला खाना नहीं होता। हाँ जी, हाँ जी, प्रॉपर पैकिंग होके आता है। अच्छा, और ये आप कितने डेज से कर रहे हो काम? सर आज हमें 21 डेज हो गए पूरे। अच्छा, 21 दिन से हो गया, चलता रहेगा ये आगे तक, हाथ तक चलेगा।